एसीजी ग्राउंड अंडरग्राम में जारी थर्ड रहमान टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट में एफसीसी छानपोरा ने रियान फाइटर्स अहन की टीम को 22 रनों से शिकस्त देकर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया। इतवार के रोज खेले गए मैच में एफसीसी छानपोरा की टीम ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया। पहले बैटिंग करते हुए एफसीसी की टीम ने मुकर्रा 20 ओवरों में 9 विकेटों के नुकसान पर 150 रन स्कोर किए, जिसमें सबसे ज्यादा आमिर ने 41 जबकि आदिल 21 और बहुबली के नाम से मशहूर गौहर ने भी 21 रन स्कोर किए। रियान फाइटर्स की जानिब से सज्जाद अहमद और जावेद ने 3-3 विकेट हासिल किए। हदफ का पीछा करने उतरी रियान फाइटर्स की टीम महज 128 रन ही बना सकी और उनके 8 विकेट आउट हुए। फाइटर्स की जानिब से इरशाद अहमद ने 49 रनों की पारी खेली जबकि जावेद ने 25 रन बनाए। इस तरह से एफसीसी छानपोरा की टीम ने ये मैच 22 रनों से जीतकर क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। एफसीसी की जानिब से कप्तान सुहेल ने 3 विकेट हासिल किए। वसीम ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। सुहेल अहमद को उनकी बेहतरीन कारकर्दगी पर मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर एफसीसी छानपोरा के कप्तान सुहेल अहमद और बहुबली के नाम से मशहूर गौहर ने अपने ख्याल का इजहार कुछ इस तरह से किया। रहमान रहीम, सबसे पहले मैं यहाँ पे अंडरग्राम की जो एसोसिएशन है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा। सबसे खास बात हमने नोटिस की कि एक साल के बाद हमारा आज मैच था, तीसरे राउंड का मैच था, लेकिन लगा ही नहीं कि इतनी सारी ब्रेक हुई है। पिछले साल जो रिदम था उससे डबल रिदम आज देखने को मिला, ग्राउंड बेटर होता जा रहा है और ऑर्गेनाइजिंग बॉडी का क्या कहना, वो तो हसन साहब है, अंपायरिंग बॉडी है, डिसीजंस बिल्कुल प्योर हो रहे हैं। हालांकि हमने देखा है बहुत सारे टूर्नामेंट्स में लड़ाइयां होती है, इंडिसिप्लिन क्रिएट होता है, लेकिन जिस हिसाब से अंपायर्स ने यहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन किया, टीम्स ने कोऑपरेट किया, हसन साहब यहाँ पे थे तो बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले मेरी तरफ से हसन साहब को, ऑर्गेनाइजिंग की सभी बॉडी को बहुत बहुत मुबारकबाद जी। तो आज आपने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया तो क्या खुशी है? खुशी हमेशा ये आती है क्योंकि हर कोई टीम आता है वो जीतने के लिए आता है, तो हमारी भी कोशिश यही थी कि आज जीते क्योंकि बहुत दूर से श्रीनगर से आते हैं तो एक्सपेक्टेशन होती है कि इतनी दूर से आए तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है। आज ओवरऑल रिजल्ट मैटर करता है तो आज हमने जीता तो बहुत खुशी हुई, डेफिनेटली पार्टी होने वाली है जी। नहीं, काफी अच्छा गेम लगता है यहाँ पे, जब भी यहाँ आते काफी मजा आता है, विकेट काफी अच्छी थी लेकिन आज ज्यादा अच्छी नहीं रही। प्रीवियस में जब भी मैच खेले काफी अच्छी विकेट रही, आज थोड़ी स्लो थी लेकिन बहुत मजा आया यहाँ पे। तो क्या एक्सपीरियंस है आपका यहाँ? नहीं, यहाँ तो बहुत ही अच्छा लगता है आने, जब भी यहाँ आते तो बहुत अच्छा लगता है, कभी कुछ गलत नहीं होता यहाँ पे, दूसरों टूर्नामेंट से फार बेटर है यहाँ पे आना। स्पोर्ट्स डेस्क, जेके स्पोर्ट्स टाइम, अंदरगाम, पटर।